दोस्तों वीकेंड का वार आज रात 10 बजे है और सलमान लगा रहे सबकी क्लास दोस्तों। जी हाँ, सलमान सर लगा रहे दोस्तों क्लास। इस बार का शो दोस्तों, एक हफ्ते के शो में दोस्तों इन लोगों ने कोई टास्क नहीं दिया, नो टास्क, ना कैप्टनसी, ना राशन, ना लग्जरी बजट कार्य, ना कुछ भी टास्क दिया इन लोगों ने, कोई टास्क नहीं दिया उन्होंने। ये ना ये टास्क ना वो टास्क, कुछ भी टास्क है ही नहीं, दिया ही नहीं इन लोगों ने पूरा। अब ये जानना भी एक बड़ा टास्क हो गया है कि बिग बॉस टास्क क्यों नहीं दे रहा है ना। चलो छोड़ो वो बात, वो दिमाग के अंदर की बात है। अब तो अब सलमान सर ने बोला सबसे ज़्यादा झूठा कौन है इस घर में, सब ने बोला ईशा मालविया, 19 साल की जो ईशा है वो जब से झूठी है। अंकिता ने भी बोला, मनारा ने भी बोला। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की है ना ईशा, कम उम्र, 19 साल की उम्र है, पर उसको दादी अम्मा बनना है। वो अंकिता और विकी के बीच में रहती है, बात इधर उधर करती है। अंकिता का बात वो विकी को बोलती है, विकी का बात वो अंकिता को जाके बोलती है ना। इधर उधर दादी अम्मा बन रही है 19 साल की उम्र में, ठीक है। फिर मनारा को बोल रही है सेल्फ ऑब्सेस्ड है। फिर पहले दिन स्टेज पे झगड़ा किया, फिजिकल वायलेंस किया उसने अभिषेक। उसके अगले दिन वो बिग बॉस को बोल दिया कि वो मेरे कमरे में आ सकता है। फिर मनारा बोलती है अच्छा वो मेरे कमरे में आ सकता है, ये कैसे हो गया, उड़ी बाबा ईना चौल बे, ईना चलेगा भैया। तो फिर मनारा बोल रही है ईशा सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना। फिर ईशा बोल रही है नहीं तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, है ना। तो कौन सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मनारा? नहीं, ईशा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। जी हाँ, क्योंकि वो झूठ बोलती है बात बात पे, है ना। 19 साल की उम्र में देखिए लड़की का क्या वो है, दिमाग है। बिग बॉस पहुँच गई 19 साल की उम्र में। तो फिजिकल वायलेंस ये वो, है ना। तो क्या स्ट्रेटजी है इन लोगों की, यही स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी पता चल गया है इनका, ये क्या करने आए यहाँ पर ये दोनों। और एक है अभिषेक, इसको क्या बनना है, सिद्धार्थ शुक्ला बनना है, आसिम रियाज बनना है, इसके बाद उसको बनना है एलविश यादव बनना है। इसको सारे पुराने कंटेस्टेंट्स का यही देख के आया है और इंटरव्यू में यही बोल रहा है वो। तो रियल पर्सनैलिटी से कोई नहीं खेला यहाँ पर, सब फेक पर्सनैलिटी से ही खेल रहे हैं यहाँ पर आके दोस्तों। या रियल पर्सनैलिटी से विकी जैन खेल रहे हैं और वो जो है इसका नाम क्या है, अंकिता है, अंकिता लोखंडे मेरी फेवरेट, वो खेल रही है। सोनिया बंसल खेल रही है। इसके बाद खानजादी भी थोड़ा बेबी का पार्ट टू है। और हमारी ऐश्वर्या, इनको तो बस तारीफ पसंद है दोस्तों। जी हाँ, इनकी तारीफ करो, इनकी नाक की, इनकी ये वो, है ना, यही चल रहा है। नील भैया हमारे सनी देओल, सस्ता सनी देओल है, सस्ता शालीन भनोट है वो, है ना। तो यही चल रहा है इनका, कुछ और चल नहीं रहा है। और आज का एपिसोड भी यही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। वो प्रमोशन के लिए आएंगे आदित्य सिंह अपनी कहानी का, सीरियल का, और वो ये सब ही होगा, ज़्यादातर कुछ नहीं होगा। तो बिग बॉस में कुछ अगले हफ्ते से शुरू होगा दोस्तों, इनका जो ग्रुप बन चुका है दोस्तों। जी हाँ, और अगले हफ्ते से जो होगा ना वो ख़तरनाक होगा दोस्तों। देखते रहिएगा बिग बॉस नेक्स्ट वीक का, जो मज़ा आएगा वीकेंड का वार। और इविक्शन नहीं होगा, और अगले हफ्ते का मज़ा आएगा दोस्तों। जी हाँ, देखते रहिए।